हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमर्स। मैं श्वेता तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का। बच्चों, अभी लास्ट दो दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, मेरे थोड़ा फैमिली में फंक्शन वगैरह था तो उसमें हम बहुत बिजी थे, इस वजह से हम आपकी कोई भी क्लास नहीं ले पाए थे। ठीक है, आज हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 2019 के पेपर को डिस्कस किया था। आज हम लोग 2020 का सीटेट पेपर वन CDP पोर्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरे 30 क्वेश्चन 30 मिनट को लेकर के चलते हैं और कोशिश ये रहती है कि 30 मिनट से पहले ही हम आपको ये 30 क्वेश्चन करवा दें। शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर वन के साथ में। साथ ही वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरी वीडियो की क्वालिटी या फिर वॉइस का जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत क्लियर नहीं है, बट होप्स हो कि ये सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। विच ऑफ दी फॉलोइंग बिलीव इज़ गुड फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। जब भी बात अधिगम की आएगी, जब भी बात लर्निंग की आएगी, तो सबसे कहते हैं कि जो सबसे अच्छी धारणा, जो सबसे गुड बिलीव है वो क्या है, वो है एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल, यानी कि योग्यता सुधार है। योग्यता सुधार है के मतलब ये हो गया कि जैसे कोई बच्चा है, उसने 10th में कम स्कोर किया है या वो फेल हो गया है या एक्स वाई जेड, लेकिन अपकमिंग क्लासेस में वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, यानी कि उसने अपनी एबिलिटी को सुधार लिया। कोई बच्चा है जिसका बचपन में GK अच्छा नहीं होता है, बट वो समय के साथ चीज़ों को डेवलप करता रहता है, पढ़ता रहता है और उसके ऊपर निरंतर प्रैक्टिस करता रहता है, यानी कि कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहता है और फिर वो उस चीज़ को सुधार कर ले जाता है। तो एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल, योग्यता जो है वो सुधार है, यही अधिगम की सबसे उपयुक्त धारणा है। ठीक है, फेलियर इज़ अनकंट्रोलेबल या फिर एबिलिटी इज़ फिक्स्ड या फिर एफर्ट डोंट मेक एनी डिफरेंस, ऐसा कुछ नहीं है। प्रयास बहुत बड़ा डिफरेंस बनाते हैं, एबिलिटी किसी बच्चे की फिक्स नहीं होती और फेलियर अनकंट्रोलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आज आप फेल हुए हैं तो आप जीवन पर्यंत फेल ही होते रहेंगे। कभी कभी तो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव करने के लिए भी इंसान एक या दो बार फेल हो जाता है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट इज़ लाइकली टू इम्प्रूव इन दिस सेटिंग विच एम्फेसाइज ऑन, यानी कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव इन दिस सेटिंग विच एम्फेसाइज ऑन इंक्वायरी एंड डायलॉग, कॉम्पिटिशन, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागॉगी या फिर फ्रिक्वेंट एग्जामिनेशन। देखिए, फ्रिक्वेंट एग्जामिनेशन होता है बारम्बार परीक्षा, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए उसके बार बार परीक्षाएं लेंगे। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागॉगी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी आप नहीं करेंगे कि बच्चा जो है वो जितनी भी किताबी चीज़ें हैं वो उसको रटा दी जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपटीशन प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चे की समझ को बढ़ाने के लिए, संकल्पनात्मक समझ को बढ़ाने के लिए तो बार बार कंपटीशन करवाएंगे, दो बच्चों में मतलब कंपैरिजन कर देंगे। अन्वेषण और संवाद जो है वो इसका एकदम सही आंसर है। इंक्वायरी एंड डायलॉग जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, इसमें जो टिक लगे ना आप लोग उन पर मत जाइएगा, नहीं तो फिर आप लोग सोचें कि अरे मैम ने हमको गलत पढ़ा दिया। मैं पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, यानी कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। देखिए, ये सब चीज़ें आपकी डेली एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। आप जब बच्चे थे, आप जब पढ़ते थे तो आपको लर्ने में डिफ़िकल्टी होती थी, सीखने में कठिनाई होती थी। कब कठिनाई होती थी अभी पता कर लेंगे। कंटेंट इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, यानी कि विषय वस्तु को बहुरूपों से प्रस्तुत किया गया हो। ऐसा तो नहीं है कि जब विषय वस्तु को अलग अलग प्रोसेस बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो तो आपको सीखने में समझ हो, ये तो सीखने का बहुत अच्छा तरीका है, यानी कि ये सही है। इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, ये भी अपने आप में एक प्लस पॉइंट है। दे आर इंस्टिंक्टिवली मोटिवेटेड, यानी कि वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं। लर्निंग इज सोशली कॉन्स्ट्रक्टलाइज, यानी कि अधिगम सामाजिक संदर्भों में हो। वैसे तो ये चारों ही ऑप्शंस अपने आप में एक पॉजिटिविटी शो करते हैं, लेकिन जैसा कि हमसे पूछा गया है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है, तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी जब सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स। ठीक है, कोई सूचना है, कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको एक साथ बच्चों के सामने प्रस्तुत करें और फिर उसको एक्सप्लेन करें, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्नर इज,
अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? नो अरोजल नो फियर, हाई अरोजल हाई फियर, लो अरोजल हाई फियर। देखिए हाई फियर तो ठीक बात है, लेकिन नो फियर तो अपने आप में गलत हो गया। ठीक है, वैसे तो हाई फियर और हाई अरोजल यानी कि उच्च उत्तेजना भी अपने आप में गलत हो गया। तो फिर मॉडरेट और नो जो है वो बिल्कुल सही है कि जब बच्चा कोई भी चीज़ सीख रहा है तो उसके अंदर भय नहीं होना चाहिए, उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए और उत्तेजनाएँ जो है वो संतुलित होनी चाहिए। अगर बच्चा किसी चीज़ को सीखने में बहुत ज़्यादा उत्तेजित है तो वो टीचर से आगे आगे चलेगा, समझ रहे ना? जैसे टीचर बोर्ड पे कोई थ्योरी कर रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा, आगे से आगे बताने की कोशिश करेगा। या फिर वो लो अरोजल यानी कि निम्न है तो बच्चा क्या करेगा, थर्ड या फोर्थ सीट पे बैठ करके बस बोर्ड को देखेगा, वो उस चीज़ को उसमें समझ नहीं आएगा। तो जब तक बच्चा संतुलित उत्तेजना वाला नहीं है तब तक बेस्ट लर्निंग जो है वो निकल के नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने आप में सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय रोल निभाते हैं, बच्चे एक्टिव रोल निभाते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग अ टास्क सानिया इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वे शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क। यानी कि एक कार्य के दौरान सायना एक लड़की है, वो स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य को किस प्रकार प्रगति कर सकती है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थाट्स दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज साइन ऑफ। यानी कि लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? जैसे ये क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे और आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर आप खुद को बताएंगे कि यार इसका सही आंसर क्या, सेल्फ रेगुलेशन होगा, ईगोसेंट्रिज्म। लेकिन बात तो इसने लेव वाइगोत्स्की की है, तो ईगोसेंट्रिज्म तो गलत हो गया क्योंकि इसकी बात तो प्याजे करते हैं ना। कॉग्निटिव इमैच्योरिटी, ये भी गलत है। मनोवैज्ञानिक विकार, ये भी गलत है। लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन की, प्राइवेट स्पीच की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से सायना जो लड़की थी उसने भी अपने एक टास्क को पूरा करने के लिए स्वयं से बात करके अपने कार्य को एक राह, एक प्रगति दिखाई है, एक दिशा दिखाई है, और उसी चीज़ को कहा गया है स्वनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। उसने अपना मार्गदर्शन स्वयं ही किया है। इवोल्यूशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, यानी कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल नहीं, कि आप बच्चों को नामांकित करेंगे, गलत है। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे बहुत अच्छे हैं आपने उनका अलग ग्रुप बना दिया, जो बच्चे पुअर हैं उनका अलग है, जो बच्चे मैथ्स में अच्छे उनका अलग ग्रुप है, जो बच्चे हिंदी में अच्छे उनका अलग ग्रुप है। आप बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको बच्चों को इन्वॉल्व करके रखना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हायर अचीवर फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, ये भी गलत है। इसमें जो बच्चे, वैसे ये सही है, अभी पहले हम ऑप्शन नंबर 4 भी देखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं तो देखिए बच्चे क्लास में दो हैं, ठीक है, ए है और बी है। ए के मान लीजिए 10% नंबर आ गए और बी के आए हैं 5%। तो जब ए को पुरस्कार दिया जाएगा असेंबली में बुला के सबके सामने, तो बी का अपना मोटिवेशन बढ़ेगा, वो भी ये सोचेगा कि नहीं मैं भी अगली बार अच्छे नंबर लेकर के आऊँगा और हायर अचीवर बनूंगा और फिर मुझे भी प्राइज मिलेगा। या फिर आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि आइडेंटिफाई स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, बच्चों की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, यानी कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, तो देखिए चाहे आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन एट्रीब्यूटेड टू, ऐसा है क्या कि नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, ये तो गलत है। एनवायरमेंट ओनली शब्द तो अपने आप में ही गलत है। बच्चा कौन सा, बच्चा सिर्फ हमारा फर्स्ट ऑप्शन। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का पारस्परिकता गुणात्मक, ठीक है, दोनों ही बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रेरित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा एकदम सही है। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्ट क्राइंग, ठीक है, एक खेल के दौरान बच्चे को जब चोट लगी रोहन को तो वह रोने लगा। एंड
Seeing this, his father respond, "Don't behave like girls. Boys don't cry." This statement by the father. यानी कि यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। तो पिता का कथन क्या करता है? क्या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है? नहीं, अगर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता तो पिताजी ये नहीं कहते कि लड़कियों की तरह मत रो, लड़कों की तरह बिहेव करो, लड़के रोते नहीं हैं। जेंडर रिफ्लेक्ट स्टेरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाना। चैलेंजेस, चैलेंज नहीं कर रहा है। रिड्यूस जेंडर बाइस, ऐसा नहीं है, ये तो जबकि भेदभाव को बढ़ावा ही दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इन आ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में। जब एक प्रगतिशील कक्षा की बात होती है तो बच्चे क्या होते हैं, समावेशी रूप में होते हैं, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बच्चे हैंड ऑन एक्टिविटी करते हैं, बच्चे एक्टिव रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट शुड बी लेबल, देखिए लेबल अपने आप में नेगेटिव शब्द है, इसको हमने देखते ही कट कर दिया। जब तक आपसे क्वेश्चन में नो ना पूछा जाए तब तक आप क्वेश्चन में ये सब शब्द देखेंगे तो आप इसको कट ही कर देंगे। टीचर्स शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, ऐसा नहीं है, टीचर्स को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करानी चाहिए जो बुक में ना हो, जिससे बच्चों के जो सीखने की क्षमता है या जो थोड़ा सा माइंड है वो फ्रेश बना रहे। The emphasis should be on competition among student, ऐसा नहीं है कि आप बच्चों के बीच में हमेशा competition ही कराते रहेंगे और बच्चों को compare ही करते रहेंगे। Ample opportunities should be provided for construction of knowledge, सबसे अच्छी बात यही है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को मौक़ों की ज़रूरत होती है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। After observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hint in the form of what, why, how. According to Lev Vygotsky theory, this strategy of teacher will, यानी कि एक गतिविधि के दौरान कोई कार्य हो रहा है, उसके दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख अध्यापिका जो है वो बच्चों को संकेत और इशारे देती है, क्या, क्यों, कैसे प्रदान करके, यानी कि वो क्या कर रही है, वो बच्चों को इसका फोल्डिंग सिखा रही है, बच्चों की मदद कर रही है, बच्चों को हिंट दे रही है। और लेव वाइगोत्स्की की इसकी बात करते हैं, एक्ट एज स्कैफ फोल्ड फॉर लर्निंग, यानी कि बच्चों अधिगम के लिए पाड़, आधारभूत संरचना का काम करना, इसकी बात लेव वाइगोत्स्की करते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात लेव वाइगोत्स्की करते हैं। प्राइवेट स्पीच की बात लेव वाइगोत्स्की करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारण, यानी कि स्कूल जो है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है और फैमिली जो है वो प्राइमरी है। ये बात बिल्कुल सही है, फैमिली कहीं भी सेकेंडरी नहीं होगा। पहले वाले में आप देख रहे हैं फैमिली को सेकेंडरी कहा गया, हमने कट कर दिया। दूसरे वाले में स्कूल को प्राइमरी कहा गया, हमने कट कर दिया। चौथे वाले में पीर्स और प्राइमरी सोशलाइजेशन, फैमिली को फिर सेकेंडरी कहा गया, हमने कट कर दिया। एक हिंट है, आप ध्यान में रखेंगे, स्कूल सेकेंडरी रहेगा और फैमिली प्राइमरी रहेगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइज दैट, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो कहता है कि जो इंटेलिजेंस है वो सेवरल फॉर्म की है। देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि वीडियो पे व्यूज़ तो लगभग 100+ आ ही जाते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता है। तो अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, आप इन PDFs को देख रहे हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ को आप भी समझ रहे हैं कि हाँ मैम, श्वेता मैम ने जो हम लोगों को पढ़ाया है वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। वो सारे PDF हम लोगों को करा रही हैं 2016 से लेकर के। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए और साथ ही एक कमेंट भी, जिसमें आप ये बता दें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव इट, यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, रिप्रेजेंट, ये क्या दर्शाता है, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। तो ये कन्वेंशनल यानी कि प्रथागत। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। Which of the following statement is correct in context of development, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। Development is multidimensional, विकास जो है वो बहुयामी होता है, ये कथन हमारा सही है। Development has same rate of growth across cultures for everyone, ऐसा नहीं है, अफ्रीका के जो बच्चे हैं वो उनका विकास का दर अलग है और
जो इंडिया के हैं वो अलग हैं। इवन यहाँ पर भी 5 साल के बच्चों में बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है। कोई 5 साल का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई उतना नहीं होता है, कोई बहुत लंबा होता है, कोई उतना नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि डेवलपमेंट अकर ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल। डेवलपमेंट जो है बच्चे का जन्म से ही शुरू हो जाता है। लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। जब बात लेव वाइगोत्स्की की आएगी तब बात सोशलाइजेशन की आएगी, कल्चरल टूल की आएगी, यानी कि सांस्कृतिक उपकरणों की आएगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। सेकेंड 17 क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। इन दिस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन प्याजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ, जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में कहा है। जीन प्याजे ने स्कीमा की बात की है, ठीक है। कल्चरल टूल की बात लेव वाइगोत्स्की करते हैं, जीन प्याजे ने बात की है स्कीमा की, ठीक है, यानी कि मनोबंध की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज, यानी कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जीन प्याजे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देखिए जब प्री ऑपरेशनल की बात हम लोग करते हैं तो बच्चों को सेंट्रेशन ऑफ थॉट यानी कि सोच विचार में केंद्रीयकरण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज, यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। हैंडीकैप्ड स्टूडेंट का प्रयोग किया गया है, विकलांग छात्र का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज, यानी कि जन्म से किशोरा अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। सेंसरी, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। जब बच्चा ये मतलब आप लोगों ने अगर पढ़े होंगे तो ये ही विकास का जो दर है वो दर है। इसके अलावा जब बच्चा बहुत छोटा होता है, आप लोगों ने इन चीज़ों को महसूस भी किया होगा, अगर आपके आसपास कोई छोटा बच्चा हो तो आप देख सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो चीज़ों को सेंस करता है, ठीक है। उसको भूख प्यास लगती है, वो रोना चालू कर देता है। फिर कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त अवस्था में आता है, वो जिस खिलौने से खेल रहा होता है वो जब तक उसके सामने रहता है तब तक तो उसको उसके बारे में पता रहता है, बट फिर वो भूल जाता है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त, यानी कि वो अब थिंकिंग करने लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी खिलौने से खेल रहा था, वो मम्मी ने कहीं छुपा दिया है, पर कहाँ छुपाया है अब ये उसको ढूंढना है, ठीक है ना। तो सेंसरी, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट जो है ये डेवलपमेंट का सिक्वेंस है, चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस किशोरावस्था तक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, यानी कि प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। सबसे पहले हम देख अ फेलियर पार्ट ऑन टीचर ऐसा नहीं है। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चों के एबिलिटी बेस्ड ग्रुप बना देंगे। हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी कि हिंड्रेंस ऐसा नहीं है कि अगर क्लास में आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं यानी कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग विभिन्नताओं से हैं, तो वो क्लास में बाधा है, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसाइज शुड बी ऑन, यानी कि एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। समावेशी कक्षा जब बात करते हैं तो बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में निगेटिव हैं। ऑप्शन नंबर 23, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समस्या समाधान क्षमताओं को इनकरेजिंग यूज ऑफ एनोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। देखिए फिक्स कुछ भी नहीं है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस अपने आप में नेगेटिव है, और बच्चों के अंदर आप डर की भावना को पैदा नहीं कर सकते हैं। बच्चा जब सीखता है, बच्चा तब कैसे सीखता है, मॉडरेट एरोजल और नो फियर के साथ में सीखता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है, सम रूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे। इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज अ टीचर शुड नॉट, यानी कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। कोई बच्चा है उसको दिक्कत है पढ़ने में, उसको समझ में नहीं आ रहा है,
तो टीचर को किस तरीके से उस बच्चे के साथ पेश आना चाहिए और टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। कल को जब आप हम टीचर बनेंगे तो हमारी क्लास में एक ऐसा बच्चा होगा जिसको लर्न करने में डिफ़िकल्टी होगी, तो उस बच्चे के साथ एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागॉजी एंड असेसमेंट, यानी कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। एक तो उसको पहले से समझने में दिक्कत है, दूसरा आप रिजिड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जटिल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो गलत चीज़ है ना, यानी कि ये हमें नहीं करना है। तो एक टीचर को क्या नहीं करना है और आगे देख लेते हैं। यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड, ये सही है। यूज़ कंस्ट्रक्टिव पेडागॉजी, ये भी सही है। डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लानिंग, यानी कि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, बस ये एक ये भी सही है। और यहाँ पे पूछा है अ टीचर शुड नॉट, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, तो टीचर को जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, इसके बाद हमारे 5 क्वेश्चन और बचेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। डैश इज़ द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, किसका फीचर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का लक्षण होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड, यानी कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डाइवर्स, लर्नर्स यानी स्टूडेंट्स हैं, क्लास में बच्चे हैं, लर्नर्स हैं, वो डाइवर्स अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेटेंथ नेगेटिव स्टीरियोटाइप, ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसे कथनों का इस्तेमाल करें जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, ऐसा नहीं करना है बच्चों के साथ में। ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, ये बात अच्छी है। यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, ये बात भी लगभग ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के साथ में। बच्चों वॉइस से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ है कि बहुत आवाज़ भड़बड़ाती हुई आती है, आपको समझ नहीं आती है, बहुत तीखी आती है, कुछ भी समस्या है, तो वो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर मेड बाय स्टूडेंट ऑन अ गिवन टास्क, बिकॉज एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर मेड बाय स्टूडेंट ऑन अ गिवन टास्क। एक टास्क दिया गया है, उसमें बच्चों ने गलतियाँ की हैं, तो टीचर को उसका एनालिसिस करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। लर्निंग इज सोली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर, यानी कि अधिगम केवल जो है वो नेगेटिव है। आगे बढ़ेंगे, इस आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं तो उसको दंड देंगे। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बच्चे गलतियाँ करते हैं तो उसको निगेटिव नहीं लेना है, वो भी अपने आप में एक पॉजिटिव रोल ही प्ले कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के साथ में। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। यंत्रवत याद करने पर जोर देना, रोट मेमोराइजेशन गलत है, पनिशिंग गलत है, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स या फिर गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। शेम, शर्मिंदगी क्या है, हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन, ऐसा नहीं है। कभी कभी बच्चों की जब टीचर ज़्यादा क्लास में बेइज्जती कर देते थे, हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तो टीचर हमारी जब बहुत ज़्यादा इंसर्ट करते थे क्लास में, तो हमें दिमाग की थोड़ा सा मतलब इफेक्ट करता था, हम अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते थे उस टीचर को लेकर के, उस टाइम बच्चों को देख करके उनसे आई कांटेक्ट ना करने पे, तो ये तो गलत है। तो शेम क्या है, जनरेटेड फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, के शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों को इमोशनली भी और मेंटली भी इफेक्ट होता है। हैव निगेटिव, शेम कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, यानी कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो जब आप और हम टीचर बनेंगे तो हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है जो बच्चों के लिए कहीं से भी निगेटिव रोल प्ले करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, निम्न में से अध्यापक अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। रोट मेमोराइजेशन तो गलत है,
इमिटेशन रिपीटेशन तो गलत है, एक्सप्लोरेशन जो है वो सबसे अच्छा है, यानी कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, आपको कॉन्सेप्ट्स के बीच में रिलेशन खोजना। जैसे हम लोग जब थ्योरीज याद करते थे, जब हम लोग ग्रेविटी के लॉ याद करते थे, जब हम लोग थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन याद करते थे, तो टीचर हमें तीनों में कॉन्सेप्ट समझा देता था और फिर वो चीज़ें हमें लाइफ लॉन्ग याद रहती थी। आज हम लोगों को कितना समय हो गया है अपना ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन किए हुए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी स्कूलिंग की, हमारे कॉलेज की, कि हमें आज भी याद है ना। वो इसी वजह से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जिनको हमने कंप्लीट कर लिया है 25 मिनट में। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। साथ ही बिल्कुल ये बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और बच्चों, आप लोग अगर 100 150 200 की संख्या में वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।